मैंने अभी थोड़े देर टाइम पहले ट्वीट किया था कि मुझे लगता है बोलो जुबा केसरी बीजेपी का इलेक्शन स्लोगन होना चाहिए, क्योंकि विमल हो या बीजेपी, देश के लिए दोनों ही कैंसर है। तू कमल का फूल, तू खिलता जरूर पर कीचड़ में दबा तू चढ़ तक, कब तक करेगा तू कर्तव्य किसी। या सो आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ फर्स्ट, माई नेम इज मुनव्वर इकबाल फारूकी, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गुजरात, सर्वाइव्ड इन गुजरात। यू नो गुजरात, गुजरात इज फेमस फॉर इट्स फेस्टिवल्स, वी हैव नवरात्रि, वी हैव उत्तरायण, वी हैव रायट्स, या बट आई लव गुजरात, आई वॉज देयर इन 2002। आप लोगों को नाइट मेयर आता है? मैम आपको नाइट मेयर आता है? लाइक कैसा आता है, लाइक कोई आपका पीछा कर रहा है, आप कहीं से गिर रहे हो, ऐसे नाइट मेयर आते हैं, आप डर के उठ जाते हो? मेरा नाइट मेयर है अमिताभ बच्चन, वो मेरे कान में आके बोलता है कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, एंड मेरी कुछ मेमोरीज भी हैं बचपन की नवरात्रि की। या आई वॉज वेरी लाइक यंग, 10 ईयर्स ओल्ड, मैं जब गरबा खेलने जाता था लड़की के साथ, उसकी फ्रेंड आके उसको बोलती थी ये लोग के साथ नहीं खेलने का, ये लोग चार शादी करते। एंड उसी वक्त स्टेज से फाल्गुनी का गाना बजता था, एक राजानी सौ सौ रानी जमकुड़ी रे जमकुड़ी। आई वाज लाइक आई एम बेटर। नाउ यू थिंकिंग कि मैं पॉलिटिक्स पे जोक करूंगा, नहीं मैं नहीं करूंगा। या बिकॉज मुझे नॉलेज कम है, मुझे नहीं पता था जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, मुझे लगता था वो हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे। नहीं नहीं नॉलेज, और कभी मैं कुछ कर भी देता हूँ तो वो बैकफायर हो जाता है मेरे पे। मैंने अभी थोड़े देर टाइम पहले ट्वीट किया था कि मुझे लगता है बोलो जुबा केसरी बीजेपी का इलेक्शन स्लोगन होना चाहिए, क्योंकि विमल हो या बीजेपी, देश के लिए दोनों ही कैंसर है। तो मुझे एक कॉमेंट आया, उसने लिखा हाय, मैंने लिखा हेलो, इज लाइक जाहिल पाकिस्तानी मादर चोत। उसने पहले हाय क्यों बोला, ये क्या तरीका है किसी से ग्रीटिंग करने का, क्या मस्त आदमी है बट लंड है। मैंने उसको लिखा कि भाई क्या हो गया, इज लाइक तुम जाहिल हो, पढ़े लिखे नहीं हो, किसी के बारे में बोलने से पहले दो बार सोच लिया करो, अगर पढ़ा लिखा होता तो पता होता विमल से कैंसर नहीं होता है। Yeah. Have you guys noticed in India, the most of medical store give sanitary pad wrapped in a newspaper? Yes. Yeah, that makes sense. Because that's what newspaper do in India, hiding reality. आप लोगों के साथ बचपन में कभी हुआ है कि हमारे घर के बड़े हमें मना करते हैं कि इसके साथ मत खेलना, ये बच्चे से दूर रहना, हुआ है? मेरे साथ बहुत हुआ, because वो बच्चा मैं था। Like I was an asshole, but घर वालों को नहीं पता, घर वालों खुद को राशि प्रोडक्शन समझते थे, उनको पता नहीं कौन सा अनुराग कश्यप पैदा किया। Like फर्स्ट है फारूक ही नहीं, फर्स्ट है फैंटम प्रोडक्शन है। और इसका रीजन था घर वालों की नज़र में सबका काम करना, सबकी बात मानना लाइक अ राम, और घर के बाहर किसी को भी मार देना कूट देना दादागिरी करना लाइक अ नहीं बजरंग दल। लाइक जान से नहीं मारता था, लाइक कूट देता था, कोई भी लड़ने आ जाता घर पे, कैसे मारा मेरे बच्चे को, पूरा आंख लाल कर दिया। आई वाज लाइक आंटी मारा उससे प्रॉब्लम है, कलर पसंद नहीं आया। घर पे गेस्ट आते थे, घर वाले बोलते थे गाना गा के सुनो। मैं भीगे उठ तेरे गा के सुना था। चाची आती थी गॉसिप करने, मूड बना के जाती थी। एंड इमरान हाशमी मूवीज वर पॉर्न मूवीज फॉर अस, यू गाइस अग्री वो टाइम में, बिकॉज उस वक्त क्राइम पेट्रोल नहीं था। एंड आप लोग सोशल मीडिया सब लोग यूज करते थे, लाइक इंस्टाग्राम सब लोग यूज करते, और लड़के क्रिएटिव भी नहीं है सोशल मीडिया पे, लड़कियां काफी क्रिएटिव है। हाँ लड़के फोटो डालते उसके नीचे कैप्शन लिखते हैं मैकडोनल्ड। क्या तू हगने गया था डिलीवरी खाने क्या? लड़कियां काफी क्रिएटिव है। मेरी कजिन घर पे, उसका प्राइम काम है पानी की बोतलें भरने का। उसके कैप्शन पता है कैसे रहते, आई जस्ट लव द साउंड ऑफ पाउंडिंग वाटर वेदर इज अ वेव्स और अ वाटरफॉल। मेरी पुप्पी बोलती है ना आग लगे तुम्हारे फोन को,
It's like this, you just lit my soul. I will set it on fire. Hashtag out of your league. एक बार रिमोट से सेल्फी ले रही है आंटी बोले नीच रख दे वो रिमोट है कैसे अंदाज इनोसेंट एज फक आप लोगों को पता है ये सब यूज करते हैं टायर्ड एज फक हंग्री एज फक लाइक मुझे समझ में नहीं आता लाइक ऐसी लगो अंग्रेज लोग लगा सकते हैं बिकॉज उनके पास हिंदी नहीं है ट्रांसलेट करके सुनने के लिए हमारे पास है लाइक क्यूट का मतलब हिंदी में होता है चंचल बट यू लुक क्यूट ठीक है ओ अग्री हाइपोथेटिकली सी यू लुक क्यूट ओके तू अपनी फोटो के नीचे हिंदी में लिखेगा चौदह ऐसा चंचल इफ यू आर हंग्री यू विल राइट भूखा चौदह दैट्स रॉन्ग विच इज माई फेवरेट यू नो सिंगल एज फक विच इज फकिंग नॉट पॉसिबल मैं कामसूत्र का बुक खोल के कंफ्यूज हूँ अकेला चौदह वाला पोजीशन कौन सा है गुलजार लिखा है क्या ये कामसूत्र ये सब होता है और मोटिवेशन कोट्स भी आते हैं इंस्टाग्राम पे मोटिवेशन कोट्स मैंने एक मोटिवेशन कोट्स पढ़ा उस पर लिखा होता डोंट जस्ट ड्रीम वॉक फॉर इट और पीछे एक अंग्रेज बंदा है सिगार हाथ में दो लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई है बस लाइक तू मुझे मोटिवेट नहीं कर रहा तू मुझे डिप्रेस कर रहा है तूने दो लैम्बोर्गिनी क्यों खरीदी सेम कलर की मैं इंडियन हूँ मेरे घर में टूथब्रश नहीं है सेम कलर के एंड कभी मैंने मोटिवेट होकर सर खरीद ली लैम्बोर्गिनी ठीक है तो उसके दरवाजे ऐसे खुलते और हम लोग मुंबई में पार्किंग में गांड घिस कैसे निकलते एंड यू कांट मोटिवेट अ इंडियन विद अ लैम्बोर्गिनी हमारे यहाँ पे लैम्बोर्गिनी का गुरु रंधावा ये इस्तेमाल करता है खिड़की से बाहर निकलता पता करो कीड़े पिंड दिया मोलेस्टर और लिखा हुआ है डोंट जस्ट ड्रीम सपने की बात मुझसे कर रहा है मैं डोंगरी पे रहता हूँ हम लोग एक कमरे में 10 लोग सोते एक दूसरे के सपने में ट्रैवल करते इतना पास सोते हम लोग एक बार मैं अपने भाई के सपने में इसलिए गांडू तू मेरे सपने में क्या कर रहा है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था आज लाइक भाई मैं पॉर्न देख रहा था इस लाइक जाके डैडी के पास सो मुझे अपने बाप के सपने में नहीं आना मुझे अपनी काम वाली को नंगा नहीं देखना एंड मुझे लगता है हम लोग इंडिया में साइन बोर्ड को सीरियसली नहीं लेते साइन बोर्ड को लाइक आई टेल यू मेरी ऑफिस के नीचे एक पारसी बुड्ढे की शॉप है लाइक पारसी बोला तो बुड्ढा बोलने की जरूरत नहीं थी सी आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ ओल्ड एज पीपल और पारसी लोग ठीक है बट बुड्ढे थोड़े तो अनोइंग होते हैं या लाइक सब ऐसे नहीं होते सिर्फ वही जो जिंदा है तो वो बोर्ड लगा उसमें शॉप बंद थी ठीक है तो बाजू वाले को सब लोग ने पूछ के परेशान कर दिया कि क्यों बंद है क्यों बंद है क्यों बंद है तो वो परेशान हो गया तो उसने क्या किया एक बोर्ड लिया बोर्ड पे लिखा दुकान 10 दिन के लिए बंद है आजू बाजू ना पूछे अब वो लोग पढ़ के 10 दिन पढ़ के उसके पास जाके पूछे 10 दिन के लिए क्यों बंद है नेक्स्ट डे आके बोल रहे भैया सुनो ना उस पर 9 करो ना एंड आई थिंक कुछ साइन बोर्ड का डायरेक्शन चेंज कर दो मीनिंग चेंज हो जाता है मैंने वर्सोवा मेट्रो पे पढ़ा वेक अप मुंबई एंड स्टैंड अप फॉर वुमेन सेफ्टी आई वाज लाइक नाइस दिस इज गुड बट अगर यही दिल्ली मेट्रो पे लिखा हुआ होगा कि वेक अप दिल्ली आज लाइक नहीं अगर दिल्ली जाग रहा तो वुमेन सेफ नहीं है वुमेन सेफ नहीं है दिल्ली में मैंने न्यूज़ में पढ़ा अ 32 ईयर ओल्ड दिल्ली गाय किल्ड हिज वाइफ विद द हेल्प ऑफ हिज गर्लफ्रेंड दैट्स टेरेबल राइट दैट्स हार्ट ब्रेकिंग कि दिल्ली वाले के पास दो दो बंदियां हैं हार्ट ब्रेकिंग फॉर यू गाइज मेरे में 4 अलाउड है एंड मैंने एक साइन बोर्ड देखा लोअर परेल में उस पर लिखा हुआ है अवॉइड मिसयूजिंग ऑफ वाटर मिसयूज क्या होता है वेस्ट होता है ना मिसयूज कौन कर रहा है गवर्नमेंट 2017 में किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे ऑल ओवर इंडिया से उनको लगा अरेंज मैरिज है उन्होंने गवर्नमेंट को 15 डिमांड लिख के दी गवर्नमेंट इज लाइक तो इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया जैसे ही दिल्ली पहुंचे वहां पे पता है उनको रोकने के लिए आर्मी ने क्या किया वाटर कैनन लेके उनके मुंह पे पानी मारा सरप्राइज मदरफकर किसानों को पता नहीं इससे भागना था दैट लाइक पानी कुछ किसान पीछे नाच रहे घन घन घन
एंड फिर उन लोग बोले सर आपने टीयर गैस मारने बोला था तो मारो ना सर, पहले से ही रो रहे ये सब चल रहा है। और मिस यूज ऑफ वाटर क्या होता है? मिस यूज, वेस्ट होता है। पानी से बम बनते मुझे नहीं पता था एक पानी के बिना भी कैसे बनते मुझे नहीं पता। आई एम अंडर ट्रेनिंग। See this, like making bomb, it's not easy. I think it's as difficult as mandir banana. No, I tell you, like educated Hindus don't want mandir bana. Right? Agree? Uneducated Muslim don't know bomb kaise bane. Because it's science. It takes so many things like ammonium nitrate, fuel oil, pyrotechnical filers, hexamethylene, black powder, oxidizer, detonator, brass cable, 1.7 EZ batteries. I still don't know how to make it, okay? Told you, na, under training. But the bad part about this joke, when I was done writing this joke in my book, uske kuch din ke baad, wo book mere dad ko mila. And now I don't know how to explain this shit. Because uspe subject mein maine hi likha tha, how to make bomb. Dad ne call karke ghar pe bula, mera gaan phat gaya. Like, jaise hi main ghar pe gaya, bahut gusse mein tha, unhone book mere muh pe fek ke mara. He's like, कौन सिखा रहा है बकवास तुझे? इसमें मेन आइटम मिसिंग है। That main item was political support.